मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला आपको भी खुश कर देगा। इस फैसले से जम्मू कश्मीर के हालात भी बदलेंगे। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर में महिला पत्थरबाजों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। स्पेशल महिला कमांडो की विशेष टीम तैयार की गई है, जो प्रदर्शनकारियों में शामिल महिलाओं से निपटने में पूरी सहायता करेगी। इस कमांडो दस्ते के लिए सेना और विभिन्न अर्धसैनिक बलों से 500 जाबाज महिलाओं को चुना गया है। वहीं आपको बता दें, रक्षा एवं गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद इन सभी का श्रीनगर के CRPF शिविर में विशेष परीक्षण शुरू कर दिया गया है। आतंकवाद से निपटने और अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शनकारी और पत्थरबाजों की हिंसक कारगुंजारियां बढ़ती देख कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें से महिला कमांडो दस्ता तैयार करना प्रमुख है। पत्थरबाजों की भीड़ में शामिल महिलाओं व बच्चों से ही कमांडो निपटेंगी। इस दस्ते को पत्थरबाजों से बचने के लिए खास तौर पर हर चीज समझाई और सिखाई जा रही है। इन सभी को एक विशेष ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मुख्यतः इन कमांडो को 3 स्टेप बताए जा रहे हैं। पहला, हालात को भांपना, फिर भीड़ पर काबू पाना और अंत में बल का प्रयोग करना। महिला कमांडो टीम को आंखों पर पट्टी बांध कर आने वाले खतरों से आगाह करने और उनसे मुकाबला करने के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, सैन्य बल का मानना है कि पत्थरबाजों की भीड़ में शामिल महिलाओं एवं बच्चों से पुरुष सैन्य कर्मी नहीं निपट पाते हैं। इस चीज का कई बार आतंकवादी फायदा उठा लेते हैं। इस कारण ही मोदी सरकार ने एक खास रणनीति तैयार की है। अब देखना होगा ये महिला कमांडो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी पर कितनी रोक लगा पाएंगी। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।